सिटी पैलेस चल रहे हैं, हवा महल घूम लिया है आप लोगों को, हवा महल भी विज़िट करवा दिया है। अब यहाँ से चलते हैं सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस के लिए यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ़्ट, क्योंकि हमारा जो गूगल मैप है वो लेफ़्ट बता रहा है। और आप लोग कभी भी यहाँ पे आओ तो ये ध्यान रखना कि 5 बजे तक सारे मॉन्यूमेंट, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, सबकी 5 बजे तक की टाइमिंग है शाम के। और ये है हवा महल का फ्रंट का व्यू, और यहीं से सिटी पैलेस के, सिटी पैलेस के लिए यहीं से रास्ता है। हवा महल, सिटी पैलेस और ये जंतर मंतर, तीनों चीज़ आसपास ही है, 800-900 मीटर के अंदर ही है। तो आप लोग पैदल भी कर सकते हो, या यहाँ पे टुक टुक ये बैटरी रिक्शा भी चल रहे हैं, इस पर भी आप लोग जा सकते हो। यहाँ से लेना हमको लेफ़्ट, हम पहुँच जाएंगे सिटी पैलेस। तो ये है यार सिटी पैलेस का गेट, अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो ये है सिटी पैलेस। और ये आप जो देख रहे हो, ये है एंट्री गेट सिटी पैलेस का। तो ये है फ्रेंड्स सारा सिटी पैलेस, और एक गाइड भी अभी हमने किया कर लिया है थोड़ा सा नॉलेज के लिए। भैया करें हमने गाइड, एज अ गाइड करें। और भैया आपका सुनना क्या है? विक्रम सिंह शर्मा। विक्रम सिंह जी इनका नाम है, और थोड़ा सा सिटी पैलेस के बारे में हमारे को ये नॉलेज देंगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है, तो ये नॉलेज देंगे हमारे को अच्छी सी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मायसेल्फ विक्रम सिंह शेखावत, वेलकम टू द सिटी पैलेस जयपुर। सो आपने आमेर फोर्ट विजिट किया है? आमेर अभी नहीं करा मैंने। सो एक्चुअल में सर, जयपुर की जो रॉयल फैमिली थी वो पहले आमेर फोर्ट में रहा करती थी, वो उनका रेजिडेंस हुआ करता था। देन आमेर से छुप के, आमेर से 30 नंबर किंग सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने जयपुर सिटी का निर्माण करवाया 1727 में। उसके दो रीजन थे, एक था पानी की समस्या का कारण, एंड एक जनसंख्या में वृद्धि का कारण। ठीक है। सो जयपुर का नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा, जय एंडपुर पूर्मिन सिटी। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, येलो कलर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है चंद्रमहल मून पैलेस। अच्छा। सवाई जयसिंह सेकंड ने इस पैलेस का निर्माण 18 नवंबर 1727 में करवाया। इस पैलेस को पूरा कंप्लीट होने में 5 साल तक का वक्त लगा, इट मीन 1732 में पूरा पैलेस बन के तैयार हुआ। ऊपर जो आप फ्लैग देख रहे हैं वो रॉयल फैमिली का पर्सनल फ्लैग है। अच्छा, ये रॉयल फैमिली का। हाँ, बिकॉज आज भी इस पैलेस के अंदर प्रेजेंट में रॉयल फैमिली रहती है अभी यहाँ। अच्छा, तो उनकी कुछ पीढ़ी होंगी बात। बिल्कुल, एक्चुअली आमेर से हम काउंट करेंगे अभी के जो प्रेजेंट किंग है वो 41 नंबर किंग है। ये 41वीं पीढ़ी चल रही है, 41वीं पीढ़ी चल रही है, इसमें रह रही है। बिल्कुल। अच्छा। एंड अगर जयपुर से हम काउंट करेंगे, बिकॉज जयपुर 30 नंबर किंग ने मनवाया था जो आमेर से थे, है ना। सो जयपुर से 12 नंबर के किंग। अच्छा। प्लस आप देख सकते हैं अभी एक सिंगल फ्लैग लगा हुआ है, बट इसी के ऊपर एक स्मॉल साइज का फ्लैग और लगता है, सेम 5 कलर का। अच्छा, इसी फ्लैग के ऊपर ही फ्लैग लगता है स्मॉल साइज का। हाँ। अच्छा अच्छा। वो जो फ्लैग है सर, वो इंडिकेट करता है ओनली किंग के लिए कि अभी वो इस पैलेस के अंदर है। सो जब वो यहाँ पे नहीं होते तो स्मॉल साइज का फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं रहता। अच्छा, स्मॉल साइज का फ्लैग कब लगा होता है? जब किंग अंदर आते हैं। किंग अंदर आते कब लगा होता है? तब लगा होता है जब वो आउट ऑफ द टाउन गए हुए होते, तो स्मॉल वाला फ्लैग हट जाता है। अच्छा, इससे पता चल जाता है कि अभी वो अभी है यहाँ पे जयपुर। प्लस 1 1/4 भी होता है सर सवाई। सो एक्चुअल में यहाँ पे सभी राजाओं के नाम के आगे लिखा हुआ है सवाई, एंड सवाई एक टाइटल है। एंड ये जो टाइटल मिला था वो जयपुर के फर्स्ट नंबर किंग सवाई जयसिंह सेकंड को मिला। एंड ये टाइटल उन्हें उस टाइम पे औरंगजेब ने दिया था, बिकॉज उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखते हुए, उनकी ब्रेवरी को देखते हुए उन्हें टाइटल दिया गया। अच्छा। उसके बाद आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हुई सबको ऑटोमेटिकली वो टाइटल लगता गया, उससे पहले किसी को नहीं मिला। सो ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, जगह का नाम है दीवाने खास। सो दीवाने खास भी एक पर्शियन वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब है, पहले के टाइम में राजा और उनके जो खास खास जो लोग होते थे, उनकी जो मीटिंग होती थी इसी के अंदर बैठ के की जाती थी। सो सब पहले से चारों तरफ से कवर किया जाता था कर्टन से, आप देख सकते हैं ऊपर हुक्स लगे हैं। सो देन 1959 के बाद जब इस पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, पहले तो इसे चारों तरफ से ओपन कर दिया गया। एंड यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स रख दिए गए जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सो हम वही अंदर देखने चलेंगे। ठीक है। Oh
सो ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं ये हैं सिल्वर पॉट्स, बट इन्हें गंगाजली के नाम से जाना जाता है बिकॉज जयपुर के जो 9 नंबर किंग थे सवाई माधो सिंह सेकंड, वो काफ़ी धार्मिक हिंदू राजा थे एंड वो पीने के लिए नहाने के लिए ओनली गंगा जल वाटर यूज़ में लिया करते थे। सो एक्चुअल में 1902 में बुलावा आया इंग्लैंड से एडवर्ड सप्तम के राज तिलक में, तब उन्होंने दोनों सिल्वर पॉट का निर्माण करवाया और इसमें गंगा जल भर के उसको इंग्लैंड लेकर गए। सो कैसे लेकर गए, यहाँ से मुंबई लेकर गए वो ट्रेन में, मुंबई से लेकर गए ओलंपिक शिप जो ब्रिटिश शिप हुआ करता था उस टाइम। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसीलिए दर्ज है बिकॉज एक सिल्वर पॉट जो आप देख रहे हैं 14,000 सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके बनाया हुआ एक सिल्वर पॉट, इसका वेट है 345 kg खाली सिल्वर पॉट, इसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच एंड इसकी कैपेसिटी है सर इसमें 900 गैलन पानी आता है, इट मीन्स 4,090 लीटर। महल देख रहे हैं, इस महल का नाम है मुबारक महल। सो मुबारक भी सेम एक पर्शियन वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब है स्वागत एंड इंग्लिश में वेलकम पैलेस। सो पहले के टाइम पे रॉयल फैमिली के जो भी गेस्ट आया करते थे उनका इसी के अंदर पहले वेलकम किया जाता था, बाद में उन्हें पैलेस के अंदर रॉयल फैमिली से मिलने के लिए ले जाया जाता। अच्छा, इसका निर्माण जयपुर से 9 नंबर किंग सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था सर 1902 में एंड उस टाइम पे यहाँ पे जो फर्स्ट गेस्ट रुके थे उनका नाम था माउंट बैटन। जो डिज़ाइनर थे इस पूरे महल के उनका नाम था सर सैमुअल स्वीटन जैकब एंड जो पूरा महल आप देखेंगे इसमें आपको 3 आर्किटेक्चर को भी दिखाया गया। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे मंदिर का डिज़ाइन बना हुआ है, सो ये हिंदू आर्किटेक्चर को दिखाता है। ठीक है, इसके ऊपर आप चलेंगे तो फूल बने हुए बीच में रेलिंग्स पे जैसे मस्जिद के ऊपर बने हुए रहते हैं, सो वो मुस्लिम शैली को दर्शाता है। सबसे ऊपर आप चलेंगे तो रेलिंग के प्लस के निशान बने हुए हैं ना, सो वो क्रिश्चियन शैली यूरोपियन शैली को दर्शाता है। सो देन 1959 के बाद जब इस पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया सो ये टेक्सटाइल गैलरी के रूप में कन्वर्ट हुआ। इसके अंदर आपको 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक जो राजा महाराजा एंड जो रानियाँ जो ड्रेस मटेरियल वो यूज़ में लिया करते थे वो आपको यहाँ इनसाइड में देखने को मिलेंगे। सो इनसाइड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नो वीडियो। ठीक है, आराम। मुबारक महल नाम है ना इसका, मुबारक। तो फ्रेंड्स ये है सिटी पैलेस के अंदर का व्यू। तो अभी हम मुबारक महल जाएंगे जिसके अंदर अभी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम कैमरे को ऑन नहीं करेंगे वहाँ पे, तो उसकी वीडियोज़ हम आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। सो ये जो आप गैलरी देख रहे हैं इसका नाम फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम है एंड इस गैलरी का निर्माण जयपुर से 11 नंबर किंग सवाई भवानी सिंह जी ने करवाया था, इसलिए उन्हें के नाम पे इस गैलरी का भी नाम रखा गया महाराजा सवाई भवानी सिंह गैलरी। सो उनका जो मेन जो रीज़न था इसका निर्माण करवाने के पीछे वो यही था कि यहाँ पे जयपुर के जो जितने भी जो आर्टिस्ट हैं जो रॉयल फैमिली की तरफ से वर्क करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उनको एक परमानेंटली स्पेस दे देना। सो ना तो रॉयल फैमिली इनसे कोई रेंट लेती है ना उन्हें कोई सैलरी पेड करती है, अपना वर्क करते हैं एंड उसी टूरिस्ट प्लेस उनको दिखाते हैं। ऑप्शनेबल अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप जितने भी आर्टिस्ट देखेंगे सर सारे नेशनल अवार्डेड आर्टिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में, इसीलिए उन्हीं को एक परमानेंटली एक स्पेस दिया गया है। सो अब इसी के अंदर हम चलेंगे या अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी प्रेजेंट रॉयल फैमिली जो आज भी रहती है इस पैलेस के अंदर, ये 5 मेंबर्स हैं। सो ये हैं सवाई भवानी सिंह जी की वाइफ राजमाता पद्मिनी देवी, इनकी डॉटर है दिया कुमारी जी एंड दिया कुमारी जी के 3 बच्चे हैं। सो सवाई पद्मनाथ सिंह जी अभी यहाँ के प्रेजेंट किंग, छोटे सन लक्ष्यराज सिंह जी एंड इकलौती इनकी डॉटर है गौरवी कुमारी जी, फिर 5 मेंबर आज भी रहते हैं इस पैलेस के अंदर, येलो कलर बिल्डिंग जिसमें फ्लैग लगा हुआ था। सो अब हम चलेंगे सर वेपन्स गैलरी में, यहाँ भी अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं। ठीक है, सो दीवाने आम मेन होता है पब्लिक मीटिंग हॉल, सो सभा निवास, यहाँ पे पहले के टाइम में राजा और जो जनता होती थी उनके साथ में पब्लिक मीटिंग की जाती थी। सो वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको अंदर देखने को मिलेगा, प्लस जयपुर के 1st नंबर से लेकर जयपुर के 11 नंबर जो किंग है उनकी जो रियल पेंटिंग्स एंड कुछ पिक्चर्स वो आपको इन साइड में देखने को मिलेगा। सो हम वही विजिट करते हैं इसके अंदर है ना, सभा निवास के अंदर। ठीक है, तो अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, तो हम कैमरे को और वीडियोस को भी यहीं पाउस स्टॉप कर देते हैं। तो ये है सिटी पैलेस के अंदर और ये उजारे हैं जो उसी टाइम के राजा महाराजाओं के हैं, 16th से 19th सेंचुरी के ये सारे उजारे हैं और इसके बारे में तो आपको पहले बता ही दिया था यहाँ पर, जो कि गिनीस वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम है। और सामने जो आप सभा कक्ष देख रहे हो, जो भी इससे थोड़ी देर पहले सभा निवास के बारे में बताया था यार, मतलब जो इस सभा निवास के बारे में भी हम अंदर गए थे और वीडियो अलाउड नहीं थी यहाँ पे वीडियो बनाना, तो
वीडियो तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है, मतलब आप बाहरों बाहर वीडियो शूट कर सकते हो, अंदर कहीं पे भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यार इसके अंदर ना काफ़ी सारी मतलब 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक की चेयर्स हैं और यहाँ पे औजार हैं और बंदूकें हैं, गन्स हैं और गन पाउडर हैं, तो आप लोग आके देख सकते हो। और 200 रुपीस की टिकट है ये सिटी पैलेस की, तो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगी थी उस टाइम पे पहले, लेकिन जब मैंने लिया और फिर मैंने एक गाइड भी हायर करा जिसको मैंने गाइड को 100 रुपीस पे करे, वैसे तो 200 मांगते हैं बट आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो 100 रुपीस पे करके। और वर्थ इट है अगर आप गाइड को अगर आप करते हो, गाइड करते हो तो वर्थ इट है। बिना गाइड के अगर आप देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जब भी सिटी पैलेस आओ तो यहाँ पे गाइड को ज़रूर कर लेना, उससे जो आपकी जो 200 रुपये की टिकट है 200 रुपीज़ की, वो पूरी टिकट वर्थ इट हो जाएगी। और अगर आप गाइड नहीं करोगे तो ऐसे ही आप घूमते रहोगे, बस फ़ोटोज़ देखोगे और औजार देखोगे, गन्स देखोगे, बंदूकें देखोगे और जो सभा निवास के अंदर का है जो चेयर्स वगैरह वो देखोगे, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा वो कब की हैं क्या हैं। इसके अंदर झूमर भी है, जो झूमर भी उसी टाइम का सेकंड लार्जेस्ट झूमर था जो कि बाहर कंट्री से मंगाया गया था। तो आप गाइड करके ही इस पैलेस को घूमना, 200 रुपीज़ तो आप एक्सपेंस करोगे ही, और मेरी मानो तो आप गाइड ज़रूर करना। तो इस सभा निवास के अंदर काफ़ी सारी चेयर्स थी जो उसी टाइम की चेयर्स थी, राजा और रानी की, रानियों की, महारानियों की और मंत्रिमंडलों की, जो भी मंत्री बैठते थे उसमें वो सभा करते थे इसके अंदर, सभा निवास के अंदर। और एक सिटी पैलेस में आपको एक और मिलेगा, वहाँ पे आपको राजा महाराजाओं के वस्त्र देखने को मिलेंगे उसी टाइम के, और कई वस्त्र तो ऐसे हैं कि जिसमें मतलब गोल्ड की नक्काशी करी गई है, मतलब सोने का काम करा गया है उसके अंदर, और रियल सोना उसके अंदर है और रियल चांदी भी है। ऐसे कई वस्त्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारा सिटी पैलेस का बाहर का है, यहाँ पे आप वीडियो शूट कर सकते हो, फ़ोटोज़ खींच सकते हो, बट अंदर कहीं पे भी आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, ना ही आप कोई फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो आप देख रहे हो सामने, और ये अभी भी यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, जो 40 जो भी मैंने बताया था पीढ़ी अभी भी चल रही है, और जो फ्लैग लगा हुआ है ये उसी टाइम का रियल फ्लैग है। इसके ऊपर अगर सेकंड फ्लैग होता है तो यानी कि फैमिली इसके अंदर है अभी, मतलब रह रही है, और अभी नहीं लगा सेकंड फ्लैग तो यानी अभी फैमिली नहीं है। और ये है एग्ज़िट गेट, यहीं से एग्ज़िट हो जाएंगे अब हम। और ये यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, आप लोग यहाँ शॉपिंग कर सकते हो आते हो तो।